इस्लामिक स्टेट ने मंगल की सुबह श्रीलंका में हुए सिलसिलावार बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब दहशतगर्द तंजीम ने हमले में शामिल दहशतगर्दों की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं। आईएस के जरिए जारी तस्वीरों पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें नजर आ रहे लोगों ने ही इस हमले को अंजाम दिया है। इन धमाकों में अब तक 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। श्रीलंका के कोलंबो का दहशतगर्दाना हमला आईएस के सबसे मोहलिक गैर मुल्की हमलों में से एक था। आईएस की तर्जुमानी करने वाला इदारा ने एक बयान में कहा, इन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है जो पहले श्रीलंका में अमेरिका की कयादत वाले इतिहाद के अराकीन और ईसाइयों के इस्लामिक स्टेट ग्रुप के जंगी थे। बता दें कि 2014 में पीस लिविंग मुस्लिम इन श्रीलंका यानी PLMMSL ने इस तंजीम पर पाबंदी लगवानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन श्रीलंका के सदर और दीगर कई सफारतकारों को खत लिखा था। इसमें कहा गया कि नेशनल तौहीद जमात मुल्क में अदम रवादारी फैलाने के साथ साथ इस्लामिक तहरीक से अदम इस्तेकाम फैलाना चाहता है।